तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने मोशन एंड टाइम टॉपिक को डिस्कस किया था, आज की क्लास में भी इसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ और बातें करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे और जो भी बातें यहाँ से बताई जाती है उनको नोट डाउन जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आगे की बातों को सीखने समझने के लिए स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन पर। तो हमने अब तक जो बातें सीख ली हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था। क्या देखा था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको ये बताता है कि जैसे आपने एक गाड़ी चलाई, एक गाड़ी चलते 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 कितना भी वो दूरी चली, कितने भी समय में चली, तो वो हमको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि एक सेकंड में इतना चली, दो सेकंड में इतना चली। अब इसको अगर मैं एक पिक्चर की फॉर्म में, एक पिक्चर की फॉर्म में दिखा दूं तो ये क्या बन जाएगा? हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे ये हमने देखा ना, एक गाड़ी एक सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 4 मीटर, है ना। अगर मैं इसको एक ग्राफ की हेल्प से दिखा दूं, एक किसकी हेल्प से? एक ग्राफ की हेल्प से। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? इस तरीके से दो अक्ष बनाते हैं हम लोग, दो एक्सिस बनाते हैं। एक तरफ होता है हमारा, दोनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। कितने? 90 डिग्री के एंगल पर, है ना। अब इसके ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे? इसके ग्राफ के लिए हम ये करते हैं, इसके ग्राफ के लिए हम ये करते हैं कि इस तरीके से, देखो मैं बता देता हूँ आपको, पहले से ही बना हुआ है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये देखो, ये दो एक्सिस बनाई हमने, दो अक्ष बनाए, ठीक है। अब दो अक्ष बना करके हमने किया क्या, ये वाला ग्राफ, ठीक है। देखिए जरा इसको, यहाँ पर दो एक्सिस हमने बनाई है, ठीक है। अब दो एक्सिस बनाने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर लिख लिया टाइम। यहाँ पर क्या लिख लिया? यहाँ पर लिख लिया टाइम, कितना टाइम गाड़ी ने लिया, सेकंड में या मिनट में या आवर में, जो भी है। और इधर लिख दिया हमने डिस्टेंस, इधर क्या लिख दिया? डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस जो है गाड़ी ने, कितनी दूरी जो है वो तय करी, ठीक है। इधर लिख लिया टाइम सेकंड में, और इधर लिख लिया डिस्टेंस मीटर में या किलोमीटर में, मतलब जैसे भी आपने मीजर करना है, जो भी आपने यहाँ पर फॉलो करना है। अब सपोज गाड़ी 2 सेकंड में 10 मीटर चली, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। 4 सेकंड में 10 मीटर, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। 6 सेकंड में 15 के आसपास, तो एक पॉइंट मिल गया। 8 में 20, तो एक पॉइंट मिल गया। अब सारे पॉइंट को मिला दिया, अब सारे पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्या बन गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब अगर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा कि ये गाड़ी कैसे चल रही है, क्या चल रही है ना, बस आपको एक ग्राफ दे दिया मैंने, तो आप इसको पढ़ के बता सकते हो कि हाँ 12 सेकंड जब हुए तो गाड़ी कितने 30 मीटर चल चुकी थी। समझ रहे हो बात को? 12 सेकंड बाद गाड़ी जो है कितना 30 मीटर चल चुकी थी। खुद से पढ़ लोगे आप इसे, इसमें मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस ये पिक्चर दे दिया, ये पिक्चर क्या बताएगा? किसी भी गाड़ी का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप बोलोगे कि 14 सेकंड में 35 के अराउंड डिस्टेंस कवर हो गई थी, यहाँ से 16 सेकंड में लगभग 50 मीटर के आसपास डिस्टेंस कवर हो गई थी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? एक पिक्चर की फॉर्म में हमको जानकारी देता है कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे कैसे चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से गति कर रहा है ना, वो कितने टाइम में कितनी कितनी दूरी चल रहा है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली क्या है? अब यहाँ पर एक चीज, दो बातें हमने सीखी, मैं दोनों बातें आपको यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहला मैंने बताया कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रेजेंट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पिक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। पिक्चर की फॉर्म में क्या करता है, इसको दिखाता है। और सेकेंड पॉइंट अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में होगा, मतलब एक जैसी स्पीड से चला होगा, एक जैसी स्पीड मतलब जैसे सपोज यहां पर बात करें कि जो गाड़ी है वो हर सेकंड में 2-2 मीटर चल रही है। हर सेकंड में कितना? 2 मीटर। तो पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 6 मीटर, चौथे सेकंड में 8 मीटर, है ना, पांचवें सेकंड में 10 मीटर, और छठे सेकंड में 12 मीटर गाड़ी चल गई। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक यूनिफॉर्म मोशन।
इसको क्या बोलते थे हम, यूनिफॉर्म मोशन, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे देखो ये है ना कि जीरो में जीरो, एक में एक, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, पांच में, मतलब हर मिनट में एक एक किलोमीटर गाड़ी चल रही है, हर मिनट में एक एक किलोमीटर गाड़ी चल रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाया, इसका ग्राफ ऐसे बनाया, देखो इसका ग्राफ कैसे बनाया देखेंगे जरा। ये देखिए इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है। हमने क्या किया, टाइम को किसमें ले रखा है, मिनट में, टाइम को किसमें ले रखा है, मिनट में, और डिस्टेंस को किसमें ले रखा है, किलोमीटर में। ठीक है, अभी जो बताया था वही काम तो करा, जीरो में जीरो, एक में एक, दो में दो, तीन में तीन। तो जीरो मिनट और जीरो, जीरो मिनट और जीरो किलोमीटर, फिर एक मिनट और एक किलोमीटर, ये दोनों कहां मिले, यहां, फिर दो मिनट और दो किलोमीटर, ये दोनों कहां मिले, यहां, फिर तीन मिनट और तीन किलोमीटर, ये दोनों कहां मिलेंगे, यहां पर, फिर चार मिनट और चार किलोमीटर, दोनों कहां मिलेंगे, यहां पर। तो इस तरीके से जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा लाइन को, तो ये कैसे मिलेगी मुझे, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसे मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। समझ में आ रही है बात, कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में शो कर रहे हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, किसी ऑब्जेक्ट की गति को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बना रहे हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, मतलब कि वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कि वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये हमको कि जब स्ट्रेट लाइन हमको मिले तो आप क्या बोलेंगे, इसमें आप लिखेंगे द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ ऑब्जेक्ट इन मोशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड, जिसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है, हर किलोमीटर में उतनी ही दूरी चल रहा है, विद कॉन्स्टेंट स्पीड, इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है, क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है भाई। ये दो बातें याद रखेंगे ग्राफ से, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताता है पिक्टोरियल फॉर्म में और पिक्चर की फॉर्म में, और द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, मतलब एक ही स्पीड से चल रहा होगा, तो उसका ग्राफ मैं बनाऊंगा अगर डिस्टेंस टाइम, तो सीधी रेखा मुझे देखने को मिलेगी। इन दो बातों को नोट डाउन करेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर, इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर। तो अब तक हमने जो भी बातें सीखी, जो भी बातें समझी, उनको हम फाइनली चेक करेंगे कि हमने कितना पढ़ा और कितना हमारी समझ में आया है ना। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि व्हाट यू हैव लर्नड, कि आपने अब तक क्या सीखा, आपने अब तक क्या सीखा। सबसे पहले है स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। ये क्या है, स्पीड की डेफिनेशन, परिभाषा। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट से हमको क्या पता लगता है कि कौन सी चीज दूसरी चीज से तेज चल रही है। जैसे एक कछुआ एक खरगोश चल रहा है, तो कछुए की स्पीड क्या है, स्लो। खरगोश की स्पीड क्या है, तेज। तो खरगोश तेज चलेगा, कछुआ स्लो चलेगा। तो स्पीड से क्या पता चलेगा कि दोनों में से कौन सी चीज तेज चल रही है ना। विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन। ये तो फॉर्मूला हो गया है ना। और बेसिक यूनिट याद रखनी है इसकी, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बेसिक यूनिट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक इवेंट की बात कर रही है, आर यूज फॉर द मेजरमेंट पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ा था, तो हमने इसको किसमें देखा था, क्लॉक। जब हम मेजरमेंट ऑफ टाइम देख रहे थे, समय का मापन देख रहे थे, जब क्लॉक हम पढ़ रहे थे, तो क्लॉक में हमने बोला था कि सिंपल पेंडुलम का जैसा मोशन लगभग वैसा ही कुछ होता है ना, ऑसिलेशन वाला काम। तो क्लॉक्स और वॉच में हमने देखा कि पीरियोडिक इवेंट होता है। पीरियोडिक इवेंट मतलब एक फिक्स टाइम बाद रिपीट होने वाला इवेंट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म, ये मैंने अभी अभी बताया, बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी है अब तक।
अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में क्या क्या है, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास, है ना। तो चलिए इन क्वेश्चन को लगाते हैं जल्दी से और इस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। इनमें से जो मोशन है ये कौन सा एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में चलने वाला है, गोल गोल होगा, अगर वृत्तीय पथ वाला होगा तो सर्कुलर है, और कौन सा ऑसिलेटरी, एक फिक्स टाइम बाद रिपीट होने वाला कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे पास छह मोशन दे रखे, इन छह में से आप जल्दी से बताइए कि कौन सा स्ट्रेट लाइन है, कौन सा सर्कुलर है और कौन सा ऑसिलेटरी है, जल्दी से बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, जब आप दौड़ते हैं तो आपके हाथ कंटिन्यूअसली आगे पीछे मोशन करते हैं, है ना। तो मोशन इज रिपीटिंग, कुछ टाइम बाद मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होता है मोशन खुद के जैसा तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ये भाई फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। सेकंड बोल रहा है मूविंग ऑफ अ हॉर्स पुलिंग ऑन अ कार्ट। देखो सीधी रोड पर अगर कुछ भी चल रहा होगा, सीधा रोड पर अगर कुछ भी चल रहा होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा भाई, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो कह रहे हैं घोड़ा जो है गाड़ी को खींच रहा है और सीधी रोड है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। एक सेकंड थोड़ा सा वेट करेंगे। तो मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक। देन मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड एक गोल गोल झूला होता है जो गोल गोल झुलाता है, तो सीधी सी बात है सर्कुलर होगा, गोल गोल मतलब सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। देन उसके बाद है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ, सीसॉ में क्या होता है, इस तरीके से ऊपर नीचे, है ना, ये वाला झूला होता है जो ऐसे ऊपर नीचे दो तरफ से लोग बैठे रहते हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन, ये कैसा मोशन हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन, कि वो क्या करते हैं, फिक्स टाइम बाद ऊपर और नीचे जाते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। फिर उसके बाद है मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल का हैमर जो है किस तरीके का मोशन करता है, तो ये भी रिपीट करता है। जो घंटी बजाते हैं ना, तो वो घंटी जो है इस तरीके से, जो दरवाजे पे घंटी लगी होती है वो क्या करती है, इस तरीके से बार बार जो है बजती है, तो रिपीट कर रही है अपने मोशन को, वो भी क्या हो गया, ऑसिलेटरी, सॉरी। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से तीन ऑसिलेटरी हैं और एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और एक सर्कुलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, आर नॉट करेक्ट बोला हुआ है, मतलब कौन कौन से करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट है वो नहीं बताना है, जो नहीं करेक्ट है वो बताना है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, सीधी सी बात है समय की जो बेसिक यूनिट है वो सेकंड है, तो ये करेक्ट है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, नहीं, हर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चले ऐसा जरूरी थोड़ा है। आप जब चलते हैं तो आप चलते चलते अगर आपको दोस्त मिल गया तो आप रुक गए, है ना, आपको थकान लगी तो आप बैठ गए, तो स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आप रुकते, कभी तेज चलते हो, कभी धीरे चलते हो, कभी रुक जाते हो, तो ये गलत है। इस पे टिक लगा देंगे कि ये वाला नॉट करेक्ट है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो इधर टिक लगाते हैं, ठीक है, इधर टिक लगाते हैं कि ये वाला जो है नॉट करेक्ट है भाई। फिर क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, हाँ, दो शहरों के बीच की दूरी जो है किलोमीटर में नापी जाती है, तो ये करेक्ट है। दो शहर क्या होते हैं, दो सिटीज क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, है ना, तो जो दूर होंगे तो उनके डिस्टेंस किलोमीटर में ही तो नापेंगे, तो ये करेक्ट है। द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कॉन्स्टेंट, टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कॉन्स्टेंट, बिल्कुल। हमने ये एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी करी थी कि एक पेंडुलम हमने लिया था, उसको हम ऑसिलेट करा रहे थे, उसका टाइम पीरियड निकाल रहे थे, तो वो एक ही आ रहा था, कॉन्स्टेंट ही आ रहा था। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, नहीं, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, अच्छा ये तो करेक्ट था ना, करेक्ट वाले टिक नहीं लगाने हमको, करेक्ट वाले टिक नहीं लगाने हमको, तो ये करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, है ना, और ये लास्ट वाला इनकरेक्ट होगा, लास्ट वाला इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि बोल रहे हैं एक स्पीड ऑफ ट्रेन, एक ट्रेन की स्पीड आप मीटर प्रति घंटे में बताते हो, नहीं भाई, ट्रेन बहुत तेज चलती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में बताते हैं उसकी स्पीड को, तो ये गलत है। तो इस तरीके से हमारे पास दो स्टेटमेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो नॉट करेक्ट। ठीक हो गया, तो फिर से बता देते हैं, बेसिक यूनिट टाइम सेकंड है, ठीक है, ये सही है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कांस्टेंट, नहीं, ये गलत है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन, बिल्कुल, दो सिटीज दूर दूर होती है, दो शहर दूर दूर होते हैं, इसलिए किलोमीटर में नापा जाता है, सही है। टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम, एक पेंडुलम अगर आपको दिया गया,
देखो टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का, वो उसकी लंबाई, वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। तो जब आपको दे दिया भाई इतना लंबा पेंडुलम आपने लेना है, अब इसका टाइम पीरियड निकालो, तो जब लंबाई आपको पहले, लेंथ पहले से ही आपको दे दी, तो टाइम पीरियड जो है कॉन्स्टेंट ही आने वाला है जब तक आप उसकी लंबाई को चेंज नहीं करेंगे। तो गिवन पेंडुलम मतलब लंबाई आपको बता रखी है तो वो कॉन्स्टेंट रहेगा। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, ये गलत है। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स, अ सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। 32 सेकेंड लगते हैं 20 चक्कर लगाने में, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो ये कैलकुलेशन करी थी भाई मैंने आपको जब ये एक्टिविटी करवाई थी प्यारे बच्चों, तो बताया था आपको क्या करना होता है। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखे हैं, है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखे हैं। देखो आंसर क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने बता रखे हैं, कितने ऑसिलेशन है हमारे पास यहां पर, 20 ऑसिलेशन है ना, और 32 सेकेंड लग रहे हैं, 20, और टाइम टेकन कितना, टाइम टेकन कितना टाइम लगा है, 32 सेकेंड। नाउ टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है इनको डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड से, टोटल टाइम टेकन से, टोटल टाइम टेकन को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन से, तो ये आ जाएगा 1.6 सेकेंड मेरे हिसाब से, t इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड। चेक कर लीजिए यही आ रहा है। ठीक हो गया, तो 1.6 सेकेंड इसका क्या आएगा, आंसर आएगा भाई, नोट डाउन कर लेंगे इसको, इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में यह बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर है, और एक ट्रेन 4 घंटे लगाती है, 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। स्पीड बतानी है, 240 किलोमीटर दूरी को एक ट्रेन 4 घंटे में तय करती है, दूरी बतानी है, स्पीड बता। तो किस तरीके से करेंगे, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है ना, अगर आपने चैप्टर में ध्यान दिया होगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था इस तरीके का एक क्वेश्चन, है ना। तो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, देखो डिस्टेंस दे रखा है हमको, डिस्टेंस कितना 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर दूरी तय करी, और टाइम कितना लगाया, टाइम लगाया कितना, 4 घंटे, 4 आवर। तो स्पीड क्या पूछ रहा है हमसे, स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्पीड बताओ, तो फॉर्मूला हमने याद करा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, और टाइम कितना लगाया, 4 घंटे, तो 4 से 240 कट गया 60 टाइम, 60 किलोमीटर पर आवर, क्या आएगा आंसर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आएगा स्पीड, है ना। था आसान क्वेश्चन या नहीं था बताओ, कितना आसान क्वेश्चन था। तो अगर क्लास में अगर आप समझते हैं, सीखते हैं, तो उसका डेफिनेटली आपको फायदा मिलता है एक्सरसाइज करते टाइम। तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर था, जिसमें आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, पहले मैं वैल्यूज लिखते रहूं, वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 57321 और 57336 और 57336 किलोमीटर, किलोमीटर टाइम 8:30 AM टू 8:50 AM, स्टार्टिंग रीडिंग और स्टॉप रीडिंग कितनी दिखा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है भाई इसकी, इस गाड़ी का आप ये बताओ कि स्पीड कितनी चली है ना। एक गाड़ी का ऑडोमीटर इतना दिखा रहा था, फिर उसने चलाई 20 मिनट, फिर उसके बाद गाड़ी इतना दिखा रहा है ऑडोमीटर, मतलब स्पीड कितनी है। तो यहां से डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ कि गाड़ी ने डिस्टेंस कितनी कवर करी। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस निकलेगी इसमें से इसको माइनस करके, तो 57336 में से माइनस कर दिया 57321, तो डिफरेंस मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से निकल के आ रहा है 6 में से 1 गए 5 और 3 में से 1 गए
तीन में से दो गए एक, 15 किलोमीटर गाड़ी ने चला, और टाइम अगर मैं यहाँ से देखूं तो 8:30 से 8:50, मतलब 20 मिनट का टाइम लगा है। अब फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में हमको दो ही चीजें चाहिए होती है, एक तो टाइम और दूसरा डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस। ये स्पीड निकालने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने आपको पहले भी बताया था फॉर्मूला। तो डिस्टेंस हमने निकाली, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 15 किलोमीटर, और टाइम कितना लगाया, 20 मिनट, 15 से 20 को भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 5 से 15, 5 से 20, तो आएगा 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया, दो आंसर हमको इसमें निकालने हैं, स्पीड निकालनी है दो अलग अलग यूनिट में, एक तो किलोमीटर प्रति मिनट में निकालेंगे तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट आएगा, और फिर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। अब मीटर को आवर, मिनट को आवर में चेंज करना है, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए मिनट को जब घंटे में चेंज करना होता है तो भाग देना होता है किससे, 60 से, एक मिनट में 60 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर करवा रहा हूं आपको, देखो 1 मिनट या फिर 1 आवर इज इक्वल टू कर लो, 1 आवर इज इक्वल टू 1/60, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट का मतलब उल्टा हो जाएगा, 1/60 घंटे। अब ये बोल रहे 0.75 किलोमीटर पर आवर, तो मिनट तो ठीक है हमको, किलोमीटर तो ठीक है, मिनट को आवर में करना है, तो यहां पर 0.75 किलोमीटर पर मिनट को अगर मुझे पर आवर में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनट की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 1/60। अब ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, अभी 1/60 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ऊपर चला जाएगा, 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब ये कैलकुलेशन से आप कर पाएंगे इसको इजीली, ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स की कैलकुलेशन है ये, तो 6 5 से 30, 7 6 42 और 3 45, इस तरीके से हमारा आंसर आता है 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो गाड़ी है उसकी चाल स्पीड मुझे 45 किलोमीटर पर आवर भी दिख रही है, और 0.75 किलोमीटर पर मिनट भी दिख रही है, तो दोनों में हमको वैल्यू पूछी गई। यहाँ पर ये पूछी हुई थी दो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग दिस टाइम, तो किलोमीटर पर मिनट में, किलोमीटर पर मिनट में हमारी आंसर, हमारा आंसर आया 0.75, और किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर आया 45, ठीक है। तो दो आंसर निकालने थे इसके, दोनों आंसर हमने निकाल दिए, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो अब तक की कहानी, अब तक की बातें जो भी हमने करी हैं, आई होप वो आपके समझ में आई होंगी, साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा, न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, चैप्टर में जो जो बातें बताई हैं वो आपको सीखने में जोर जरूर देना है, और उनको कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करनी है, लिख लिख करके प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, चैप्टर आपको क्लास 9th में फिर 11th में देखने को कंटिन्यूसली मिलेगा, तो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना, अच्छे तरीके से इसके ऊपर कमांड बनाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस।